हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पार्ट टू क्लास ऑफ चैप्टर टिश्यूज। ओके, सो लास्ट टाइम हमने ये चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है और इसमें हमने डिस्कस किया है अबाउट द फर्स्ट टाइप ऑफ टिश्यूज प्रेजेंट इन टू प्लांट। उसके अलावा हमने डिस्कस किया है अबाउट प्लांट टिश्यूज एंड एनिमल टिश्यूज, एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट प्लांट टिश्यू का दूसरा टाइप, दैट इज परमानेंट टिश्यूज। ठीक है, सो प्लांट टिश्यूज हमने स्टार्ट किया हुआ था, उसमें हमने मेरिस्टमैटिक टिश्यू के बारे में स्टडी किया हुआ है। तो उसमें हमने स्टडी किया कि मेरिस्टमैटिक टिश्यूज आर कंटिन्यूअसली डिवाइडिंग टिश्यूज और कंटिन्यूअसली डिवाइडिंग सेल्स। ओके, एंड टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट व्हेन दीज कंटिन्यूअसली डिवाइडिंग सेल्स दे एक्वायर फंक्शन एंड गेट कन्वर्टेड इनटू एन परमानेंट सेल। ओके, एंड आफ्टर एक्वायरिंग दे नेवर डू सेल डिविजन, लेट्स नॉट से नेवर, बट समटाइम्स डी डिफ्रेंसिएशन होने के बाद कर लेते हैं, बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स दे अक्वायर अ फंक्शन परमानेंटली एंड देन दे स्टे इन टू दैट स्टेट फॉर एवर। ओके, सो हेंस दिस टिश्यूज आर कॉल्ड एज दी परमानेंट टिश्यूज। ठीक है, तो परमानेंट टिश्यूज के बारे में आज हम स्टडी करने वाले हैं। तो परमानेंट टिश्यूज में कौन कौन आता है, कैसे उनके स्ट्रक्चर्स है और स्ट्रक्चर ड्रॉ कैसे करना है, इसी के लिए आज हमने ये वीडियो लेक्चर, बुक वाला वीडियो लेक्चर किया हुआ है, ताकि आप लोग भी मेरे साथ इसको प्रैक्टिस कर सको। ठीक है, सो परमानेंट टिश्यूज जो है इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है, आज उसको सबसे पहले आज हम स्टडी करने वाले हैं। तो जैसे हमने लास्ट टाइम भी स्टडी किया हुआ था, परमानेंट टिश्यूज जो है उसके दो मेजर टाइप्स है। फर्स्ट इज कॉल्ड एज द सिंपल परमानेंट टिश्यू, ओके, एंड सेकंड वन इज कॉल्ड एज द कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। ठीक है, तो सिंपल परमानेंट टिश्यू के मैंने आपको तीन टाइप्स बताए हुए थे, जिसको हम आज डिटेल में स्टडी करने वाले हैं, दैट इज पैरेन्काइमा, ठीक है, और फिर कोलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा। ठीक है, और फिर जाके कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के दो टाइप्स है, दैट इज जाइलम एंड फ्लोएम। ओके, सो दीज आर द टाइप्स ऑफ परमानेंट टिश्यूज विच वी आर गोइंग टू स्टडी वन बाय वन। टुडे वी आर ओनली गोइंग टू टॉक अबाउट सिंपल परमानेंट टिश्यू और उसके तीन टाइप्स और उसके डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे है और क्या है, उसको हम डिटेल में स्टडी करेंगे। ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट विद परमानेंट टिश्यू फॉर्म कैसे होते हैं, सबसे पहले तो वो चीज़। ओके, सो परमानेंट टिश्यूज आर फॉर्म आफ्टर डिफरेंशिएशन। ठीक है, ये जब भी मेरिस्टमैटिक टिश्यू जो है वो डिफरेंशिएशन कर लेता है, तब जाके, यानी कि कौन सी फेज में, अपने G0 फेज में। ठीक है, तो मेरिस्टमैटिक टिश्यू व्हेनेवर इट अंडरगोज डिफरेंशिएशन इन G0 फेज, देन इट फॉर्म्स परमानेंट टिश्यू। ठीक है, तो आफ्टर डिफरेंशिएशन ऑफ मेरिस्टमैटिक टिश्यू परमानेंट टिश्यूज आर फॉर्म। ठीक है, तो ये जो टिश्यूज है G0 फेज में अपना फंक्शन अक्वायर कर लेती है, उसका सेल डिवीजन का पावर वो लॉस कर देती है, और फिर जाके इसमें परमानेंट टिश्यू फॉर्मेशन हो जाता है। सो हेंस दीज आर देन एक्वायर, दे अटेन और दे गेन स्पेसिफिक शेप, दे गेन अ स्पेसिफिक साइज इन G0 फेज एंड दे अटेन अ फंक्शन। ठीक है, तो उस हिसाब से फिर वो डिवाइड हो जाते हैं इंटू डिफरेंट काइंड ऑफ दीज काइंड ऑफ परमानेंट टिश्यूज। ठीक है, सो दे अटेन अ शेप साइज इन G0 फेज, दे लूज देयर एबिलिटी ऑफ सेल डिविजन। ओके, एंड हेंस परमानेंट टिश्यूज आर देन फॉर्म्ड। ठीक है, देन नेक्स्ट इज द सेल्स जो है इसके अंदर के जो परमानेंट टिश्यू के होते हैं, अगर हम इनको देखते हैं तो दे कैन बी लिविंग सेल्स और दे कैन बी डेड सेल्स ऑल्सो। ठीक है, तो ये एक कैरेक्टरिस्टिक आपको याद रखना है, क्योंकि मोस्टली हम जब ये टिश्यूज स्टडी करेंगे तो कुछ टिश्यूज आप देखोगे कि ये टिश्यूज जो है वो लिविंग टिश्यूज होती है, कुछ टिश्यूज जो है वो डेड टिश्यूज होती है। ठीक है, सेल के शेप भी बहुत सारे टाइप्स के हो सकते हैं, दे कैन बी लॉन्ग, दे कैन बी एलोंगेटेड। ठीक है, कुछ कुछ इसमें तो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज में कुछ लोग परफोरेटेड होते हैं, ठीक है, कुछ लोग राउंडेड होते हैं। ओके, तो इसके शेप्स जो है वो हमें बहुत सारे टाइप्स ऑफ शेप्स इसमें दिखाई देते हैं। सो ये है कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स और बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ परमानेंट टिश्यूज। ओके, तो जो आज हम स्टडी करने वाले हैं वो है सिंपल परमानेंट टिश्यू, जैसे मैंने पहले भी मेंशन किया हुआ था। ठीक है, तो सिंपल परमानेंट टिश्यू अगर हम देखते हैं,
ठीक है. तो सिंपल परमानेंट टिश्यूज को अगर हम देखते हैं तो उसके मेजरली तीन टाइप है, जैसे मैंने पहले भी मेंशन किया था. फर्स्ट टाइप इज पैरेन्काइमा, ठीक है. सेकेंड इज कोलेन्काइमा एंड थर्ड इज स्क्लेरेन्काइमा. ओके, नाउ ये जो सिंपल परमानेंट टिश्यूज है इनका भी ये कैरेक्टरिस्टिक है, दैट इज इसके जो सारे सेल्स है इनको सिंपल क्यों बोला गया है, सबसे पहले तो उसको जानना जरूरी है, ठीक है. व्हाई दीज आर कॉल्ड एज सिंपल परमानेंट टिश्यूज, बिकॉज सिंपल परमानेंट टिश्यूज जो है इसके सारे सेल्स जो है वो एक जैसे होते हैं. ओके, सो दे आर मेड अप ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ सेल. इसके अंदर डिफरेंट काइंड या फिर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स हमें दिखाई नहीं देते, ठीक है. तो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स में यहां पर लिख देती हूँ, दैट इज दे आर मेड अप ऑफ, दूसरा कलर सॉरी, सो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है सिंपल परमानेंट टिश्यू के, दे आर मेड अप ऑफ सिमिलर सेल्स या फिर सेम सेल्स भी बोल दो सीधे सीधे, ठीक है. इसमें एक ही टाइप के सेल्स होते हैं, एक ही तरीके के सेल्स होते हैं, इसमें डिफरेंस नहीं होता है, ठीक है. दे हैव अ कॉमन फंक्शन, ओके. फंक्शन भी जो है सेम सेल है, सेम साइज है, सेम शेप है, तो एक ही प्रकार का फंक्शन करेंगे वो लोग, डिफरेंट फंक्शन करेंगे क्या, नहीं करते, ठीक है. सो दे हैव अ वेरी कॉमन सिंपल फंक्शन और इनका मेजरली फंक्शनिंग होता है इधर इट इज सपोर्टिव इन नेचर, ठीक है, या फिर दे कैन बी से सिंपल परमानेंट टिश्यूज जो होते हैं वो सपोर्टिव होते हैं या फिर प्रोटेक्टिव होते हैं या फिर मेजरली इनका फंक्शन होता है फॉर स्टोरेज, ठीक है. ये तीन फंक्शंस वो लोग करते हैं, दैट इज दे कैन बी सपोर्टिव, दे कैन बी प्रोटेक्टिव और दे कैन बी यूजफुल इन टू स्टोरेजेस, ठीक है. तो जैसे मैंने पहले भी मेंशन किया इसमें तीन टाइप्स है, एक होता है पैरेन्काइमा, दूसरा है कोलेन्काइमा और तीसरा है स्क्लेरेन्काइमा. इसमें से अगर हम देखेंगे तो पैरेन्काइमा एंड कोलेन्काइमा ये जो दोनों टाइप्स है वो लिविंग में आते हैं, जबकि स्क्लेरेन्काइमा जो है वो डेड टिश्यू में आता है, ठीक है. सो हेंस दीज आर द टाइप्स ऑफ टिश्यूज, सिंपल परमानेंट टिश्यूज प्रेजेंट इन टू प्लांट्स. सो नाउ लेट अस टॉक अबाउट फर्स्ट काइंड ऑफ सिंपल परमानेंट टिश्यू जिसका नाम है पैरेन्काइमा, ठीक है. तो पैरेन्काइमा के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है उसको हम पहले स्टडी करते हैं और फिर इसका डायग्राम कैसे ड्रॉ करना है वो हम देखते हैं, ठीक है. तो फर्स्ट टाइप ऑफ टिश्यू इज पैरेन्काइमा. ओके, तो पैरेन्काइमा जो है जनरली ये टिश्यू जो है जैसे मैंने पहले भी मेंशन किया दिस टिश्यू इज अ लिविंग टिश्यू, ठीक है. तो इसके सारे सेल्स जो है वो लिविंग सेल्स होते हैं, ठीक है. ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है आपको याद रखने के लिए. ओके, सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक आपको याद रखना है दिस इज अ लिविंग टिश्यू. सेकेंड इज इसके सेल्स जो है वो लूजली पैक्ड होते हैं, ठीक है. लूजली पैक्ड सेल्स यानी कि क्या, इनके सेल्स के बीच में जो है बहुत सारे गैप्स होते हैं, ठीक है. तो इसकी वजह से जनरली इसका फंक्शनिंग होता है इनटू से पैकेजिंग, ठीक है. तो सेल के अंदर या फिर प्लांट के अंदर जो भी जगहों पे हमें जगह भरनी है सपोज कर, या फिर जहाँ जहाँ पे हमें से कि वहाँ पे पैकेजिंग करनी है, कुछ टिश्यूज के बीच में जो जगह खाली है वो जगह पे भरना है, तो इस सभी जगह पे हमें पैरेन्काइमा का यूज होता है, ठीक है. सो पैरेन्काइमा कैन बी यूज फॉर पैकेजिंग पर्पजेस. इनमें जनरली सेल्स जो है वो कम स्पेशलाइज होते हैं, सो लेस स्पेशलाइज सेल्स बोल सकते हैं इनको. तो ये कोई भी फंक्शन अकॉर्डिंग टू से उसका स्पेस जो है या फिर उसका अवेलेबिलिटी जो है या फिर जाके उसको जहाँ पे प्लेस किया गया है उस हिसाब से ये फंक्शन कर लेता है. जैसे फॉर एग्जांपल अगर ये लीफ में प्रेजेंट है तो इसमें क्लोरोफिल हो सकता है, तो इट कैन डू प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. या फिर अगर ये स्टेम के अंदर ट्रंक में प्रेजेंट है जहाँ पे ये पैकेजिंग कर रहा है, तो ये जनरली सिर्फ स्टोरेज का काम करता है या फिर सपोर्ट का काम करता है, ठीक है. तो इसीलिए ये सेल्स जो है वो रिलेटिवली अनस्पेशलाइज्ड है, जिस जगह पे है उस जगह का वो फंक्शन जनरली एक्वायर कर लेते हैं, ठीक है. देन नेक्स्ट पॉइंट इज इसके सेल्स जो है इसका सेल वॉल जो है जनरली वो थिन होता है, ठीक है. तो दे हैव अ थिन सेल वॉल, ओके. और फिर अगर इसका साइटोप्लाज्म भी अगर हम देखेंगे तो वो थोड़ा सा स्पार्स होता है और इसमें एक लार्ज सेंट्रल वैक्यूल होता है,
ठीक है, ये इसके कैरेक्टरिस्टिक्स है सेल्स के, ठीक है, कि उसका सेल वॉल जो है वो थिन है, उसमें एक बड़ा सा लार्ज वैक्यूल है, इसका साइटोप्लाज्म जो है वो कम होता है बट काफ़ी डेंस साइटोप्लाज्म होता है, ठीक है, तो वो भी आप यहाँ पे याद रख सकते हो, इट हैज़ अ डेंस साइटोप्लाज्म, ओके तो ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, सेल की कैरेक्टरिस्टिक्स, ओके तो जैसे मैंने पहले भी बताया कि इसमें अगर प्रेजेंस ऑफ लीफ के यहाँ पे ये प्रेजेंट होता है, उसके साइटोप्लाज्म में बहुत सारे बार क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स दिखाई देते हैं या फिर क्लोरोप्लास्ट दिखाई देता है वहाँ पे, ठीक है. सो ये जनरली मैंने जैसे पहले भी बताया ये लूजली पैक्ड है, तो ये पैकेजिंग में भी हेल्प करता है, ठीक है. सो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स और बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पैरेन्काइमा, ओके. सो डायग्राम जब भी आप इसका ड्रॉ करते हो तो डायग्राम इज ड्रॉन इनटू टू टाइप्स, दैट इज फर्स्ट इज कॉल्ड एज टीएस, ठीक है. टीएस यानी कि क्या होता है, ट्रांसवर्स सेक्शन, या फिर इसको हम बोलते हैं दूसरा एक डायग्राम जिसको बोलते हैं एलएस, दैट इज कॉल्ड एज लॉन्जिट्यूडनल सेक्शन. ट्रांसवर्स सेक्शन यानी सपोज दिस इज द स्टेम, इसको हम यहां से कट करते हैं तो उसको बोलते हैं टीएस, ठीक है. अगर मैंने इसको यहां से ऐसे कट करके ऑब्जर्व किया, इसको बोलते हैं एलएस, दैट इज लॉन्जिट्यूडनल सेक्शन, लेंथ वाइज कटिंग एंड उसके ब्रेड वाइज कटिंग, तो उस हिसाब से टीएस एंड एलएस. तो डायग्राम जब भी आप ड्रॉ करते हो इन सारे टिश्यूज का, तो उसमें आप टीएस भी ड्रॉ करते हो, एलएस भी ड्रॉ करते हो, ठीक है. तो पैरेन्काइमा का टीएस कैसे दिखाई देता है, यानी ट्रांसवर्स सेक्शन उसका कैसे दिखाई देता है, तो सेल्स जो है जैसे मैंने पहले भी बताया वो काफी थिन वॉल्ड होती है, अगर ऊपर से देखते तो वो सर्कुलर दिखाई देती है, ठीक है, और उसमें एक जगह पे आपको न्यूक्लियस दिखाई देगा और बीच में यहाँ पे सेंट्रल वैक्यूल बड़ा सा आपको दिखाई देता है, ठीक है, और ये लूजली पैक्ड होने की वजह से इनमें आप स्पेसेस भी दिखा सकते हो, ठीक है. देखो यहाँ पे सेल्स के बीच में स्पेसेस छोड़नी है आपको, तो ये लूजली पैक्ड है, नॉट टाइटली पैक्ड. टाइटली पैक्ड सेल्स होता तो वो वॉल टू वॉल कनेक्टेड सेल्स होती है. ठीक है, सो गैप्स के बीच में प्रेजेंट है सेल्स. सिंपल सा डायग्राम है, आपको ड्रॉ करने के लिए बहुत इजी है. इसको आपको सबको आपके नोटबुक्स में ड्रॉ करना ज़रूरी है, क्योंकि इसी से आपको प्रैक्टिस होगा, ठीक है. एग्जाम में इसके ऊपर आपको क्वेश्चन आता है, ड्रॉ टीएस ऑफ पैरेन्काइमा, ड्रॉ एलएस ऑफ पैरेन्काइमा, तो आपको ये डायग्राम ड्रॉ करना है उसमें, ओके. सो ये है उसके लूजली पैक्ड सेल्स, आप ऐसे इसको ट्रांसवर्स सेक्शन में दिखा सकते हो, ओके. सो दिस इज टीएस ऑफ पैरेन्काइमा. एलएस ऑफ पैरेन्काइमा अगर मुझे ड्रॉ करना है तो वो कैसे ड्रॉ करेंगे, एलएस ऑफ पैरेन्काइमा लुक्स समथिंग लाइक दिस, ओके. एनसीईआरटी में थोड़ा सा डिफरेंट डायग्राम देखे, आप उसको भी प्रैक्टिस कर सकते हो, मैं उसको भी ड्रॉ करके दिखाती हूँ, वो भी काफी ईजी है, ठीक है. फिर से लूजली पैक्ड सेल्स है, तो मैं बीच में स्पेसेस छोड़ रही हूँ यहाँ पे, आप भी इसको स्पेसेस छोड़ के ड्रॉ करो, ओके. एंड देन न्यूक्लियसिस, ओके. तो ये हो गए लूजली पैक्ड सेल्स. सो इसमें बीच में एक सेंट्रल वैक्यूल होता है, जनरली इंटरसेलुलर स्पेस होती है, ये जो जगहें है ये खाली वाली जगहें जो है यहाँ पे, दीज आर कॉल्ड एज द इंटरसेल्यूलर स्पेसिस, दैट इज सेल्स आर लूजली पैक, तो वो काफी जगह ऑक्यूपाई कर लेते हैं जिसकी वजह से इनको हम पैकिंग के लिए यूज कर सकते हैं, ठीक है. और ये है उसका प्रोमिनेंट न्यूक्लियस, ओके. एंड देन जनरली ये हो गया उसका जनरल स्ट्रक्चर ऑफ दीज सेल्स, दैट इज पैरेन्काइमा, ओके. देन अगर मैं सिर्फ एक सेल के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करूँ कि कैसे दिखता है, तो उसको ड्रॉ करना अगर होगा तो फिर वो मैं बता देती हूँ यहाँ पे, ठीक है. तो एक मुझे सेल, सिंगल सेल ऑफ पैरेन्काइमा अगर बताना है, तो इट कुड बी समथिंग लाइक दिस. ये हो गया उसका थिन सेल वॉल, ठीक है. उसके अंदर में उसका सेल मेम्ब्रेन ड्रॉ करना है आपको, ठीक है. ये हो गया उसका सेल मेम्ब्रेन. उसका साइटोप्लाज्म काफी थिक एंड डेंस है, तो मैं इसको डॉटेड ड्रॉ कर लेती हूँ यहाँ पे थोड़ा सा,
ठीक है. सो दिस इज डेंस साइटोप्लाज्म ऑफ इट. अभी बीच में एक कैविटी बन गया, दैट इज द लार्ज सेंट्रल वैक्यूल ऑफ इट. ओके, इसमें बीच में आपका यहाँ पे भी एक अच्छा खासा न्यूक्लियस ड्रॉ कर लेना. डेंस ऐसा न्यूक्लियस इसमें प्रेजेंट है, ठीक है. और जैसे मैंने पहले भी बताया था, ये कभी कभार लीफ के सर्फेसिस पे या फिर लीफ के एरियाज में प्रेजेंट होता है, ठीक है. तो वहाँ पे हम उसके लिए इसमें कुछ कुछ जगहों पे यहाँ पे आप क्लोरोप्लास्ट भी ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है. आप भी कलरफुल डायग्राम बना लो तो अच्छा रहेगा आपको दिखने के लिए और समझने के लिए इंटरेस्टिंग सा लगता है, ठीक है. सो ट्राई एंड डू इट विथ पेन्स और स्केच पेन्स, ठीक है. तो कलर पेन यूज़ करो, पेंसिल्स यूज़ करो, कलर पेंसिल्स यूज़ करो, इससे भी डायग्राम और अच्छा दिखाई देता है. तो इसको मैं अभी लेबलिंग कर लेती हूँ डायग्राम को. दिस इज द सेल वॉल, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन. साइटोप्लाज्म, देन इज न्यूक्लियस. आप थोड़ा स्पेस्ड कर सकते हो, ये मेरा थोड़ा सा किचड़ गया, एक एक साथ ही आ गया सब कुछ, थोड़ा आप उसको स्पेस लेके ड्रॉ कर लो. दिस इज सेंट्रल, लार्ज सेंट्रल वैक्यूल, ओके, एंड क्लोरोप्लास्ट. ओके, सो दिस इज डायग्राम के हम नीचे हमेशा उसका नाम लिखना जरूरी है. दिस फिगर इज ऑफ पैरेन्काइमा. ओके, सो दिस इज अवर पैरेन्काइमा सेल स्ट्रक्चर इज प्रेजेंट. ओके, तो पैरेन्काइमा का सेल स्ट्रक्चर आपने आज स्टडी किया हुआ है, कैसे ड्रॉ करना है, आप इसको प्रैक्टिस कर लेना है अपने बुक में, और ताकि उसको आपको और अच्छे से समझ में आए. और अगर आपको कुछ डाउट होगा देन यू कैन आस्क मी रिगार्डिंग डायग्राम कैसे ड्रॉ करना है, ठीक है. तो कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आज पैरेन्काइमा के बारे में भी आज हम स्टडी करने वाले हैं, उसके पहले फंक्शंस ऑफ पैरेन्काइमा, ठीक है. फंक्शन क्या करता है पैरेन्काइमा, तो जैसे हमने पहले भी बात की कि इसके सेल्स लूजली पैक्ड है, तो इट हेल्प्स इन टू फर्स्ट फंक्शन, दैट इज पैकेजिंग. ठीक है, पैकेजिंग ऑफ द टिश्यूज, जहां पे भी जरूरी है कि स्पेस फिल की जाए, जहां पे भी जरूरी है कि से एरिया भर दिया जाए, तो उस जगह पे हम पैरेन्काइमा यूज करेंगे. सेकेंड इसका मेन फंक्शन है, दैट इज स्टोरेज ऑफ फूड एंड प्रोवाइड सपोर्ट. ठीक है, पैकेजिंग करेगा तो वो सपोर्ट भी देगा, पैकेजिंग और सपोर्ट लिख देती हूँ मैं, ठीक है. एंड सेकंड फंक्शन इज स्टोरेज ऑफ फूड. ठीक है, तो जो भी जगहों पे फूड ट्रांसपोर्टेशन होके बचा हुआ एक्सेसिव फूड है, उसको सबको हम पैरेन्काइमा में स्टोर कर देते हैं, ठीक है. सो हेंस दिस इज द फंक्शन ऑफ पैरेन्काइमा. नाउ अभी कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें जो मैं पैरेन्काइमा के बारे में बता रही हूँ, वो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है आपको याद रखने के लिए, ताकि आपको ये हेल्प करे बाद में भी से एग्जाम्स के टाइम में वगैरह, या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के टाइम में. ओके, सो दिस इज ऑल एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन. सो सबसे पहले तो पैरेन्काइमा जो है ये सबसे पहला इवॉल्व परमानेंट टिश्यू है, ठीक है. तो हेंस दिस इज प्रेजेंट इन ऑल सॉफ्ट पार्ट्स ऑफ द प्लांट. तो नया ट्विग बन रहा है या फिर नया ग्रोथ है, जो भी सब कुछ वहाँ पे सब जगह पे हमें पैरेन्काइमा दिखाई देता है. सो हेंस ये यूनिवर्सली प्रेजेंट होता है, ये बहुत सारे जगहों पे हमें मिलता है. सो हेंस पैरेन्काइमा जो है वो काफ़ी हम बोल सकते हैं कि एरिया कवर करने वाला टिश्यू है, ठीक है. इसके अलावा दूसरी बात है कि जो अपने ब्रायोफाइट हो गए या फिर टेरिडोफाइटा हो गया, इनमें सब में ये जनरली हमें पैरेन्काइमा दिखाई देना सबसे पहले शुरू हो गया था. तो क्लासिफिकेशन अगर हम प्लांट्स का देखते जाते हैं, तो उसमें पैरेन्काइमा जो है उसका एग्जिस्टेंस काफ़ी अच्छे टाइम पे आया हुआ है, ठीक है. देन ऑल्सो पैरेन्काइमा जो है, जैसे मैंने पहले भी बताया, ये लीफ में भी प्रेजेंट होता है जनरली, ठीक है. तो ये स्पॉन्जी टिश्यूज बनाने में हेल्प करता है प्लांट में, जहाँ पे वो फोटोसिंथेसिस के लिए हेल्प कर देता है, ठीक है. पैरेन्काइमा जो है इसमें ये वैक्यूल होने की वजह से इस वैक्यूल में ये लोग प्लांट सैप स्टोर कर देते हैं. सो हेंस इट ऑल्सो हेल्प्स इन टू प्रोवाइडिंग टर्जिडिटी टू द सेल, ठीक है. तो टर्जिडिटी हमने स्टडी किया था ऑस्मोसिस के टाइम में, कि प्लांट के सेल को हेल्दी रखने के लिए या फिर उसको मोटा एंड हैप्पी रखने के लिए हमें उसमें पानी स्टोर करना जरूरी है. सो दैट इज कॉल्ड एज टर्जिडिटी. तो टर्जिडिटी देने के लिए पैरेन्काइमा हेल्प कर देता है. देन मोस्टली पैरेन्काइमा में एक और चीज इंपॉर्टेंटली आपको याद रखना है, दैट इज इडियोब्लास्टिक सेल्स, ठीक है. तो पैरेन्काइमा इज ऑल्सो, इसका एक टाइप है जिसको हम बोलते हैं इडियोब्लास्टिक सेल्स या फिर इडियोब्लास्ट. तो इडियोब्लास्ट जो होता है, इट्स हेल्प्स इन टू स्टोरेज ऑफ वेस्ट्स,
ठीक है, प्लांट वेस्ट जो है उसको एक्सक्रीट करने के लिए एक्सक्रीटरी सिस्टम नहीं है, ठीक है। तो जो भी सारी चीज़ें प्लांट प्रोड्यूस करता है, जैसे फॉर एग्जांपल रेजिन्स हो गए, टैनिन्स हो गए, ठीक है, या फिर जाके कुछ इसमें गम्स प्रोड्यूस होते हैं, ओके, और या फिर जाके कुछ इसेंशियल ऑयल्स प्रोडक्शन होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो प्लांट वेस्ट में आती है। तो ये सब चीज़ों को स्टोर करने के लिए भी पैरेन्काइमा का वैक्यूल हेल्प करता है, ठीक है। सो हेंस दोज आर स्टोर्ड इन टू इडियोब्लास्ट सेल्स, ये आपको याद रखना जरूरी है। दैट इज फर्स्ट टाइप ऑफ पैरेन्काइमा विच इज इसेंशियल, ठीक है। उसके अलावा दूसरा एक टाइप ऑफ पैरेन्काइमा जो है उसको हम बोलते हैं क्लोरेन्काइमा। ठीक है, क्लोरेन्काइमा क्यों बोला है इसको हमने, क्योंकि इसमें प्रेजेंस ऑफ क्लोरोप्लास्ट है, ठीक है। तो पैरेन्काइमा में जब भी क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, जैसे हमने यहाँ पे भी ड्रॉ किया हुआ है, तो क्लोरोप्लास्ट जब भी प्रेजेंट होता है तो वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में हेल्प करता है। तो इसको अभी पैरेन्काइमा प्लस क्लोरोप्लास्ट, इट इज कॉल्ड एज क्लोरेन्काइमा, ठीक है। सो इसमें क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है तो ऑब्वियसली ये मीजोफिल सेल्स में प्रेजेंट है, मीजोफिल सेल्स आर सेल्स ऑफ लीफ, ठीक है। तो इनमें यह प्रेजेंट होता है और जाके ये प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। सो हेंस दिस इज कॉल्ड एज नाउ क्लोरेन्काइमा, ठीक है। देन नेक्स्ट इज, इसके अलावा और एक टाइप ऑफ पैरेन्काइमा है जिसको हम बोलते हैं एरेन्काइमा। ओके, नाउ व्हाट इज एरेन्काइमा? जब भी पैरेन्काइमा का वैक्यूल जो है, ठीक है, इट इज यूज्ड फॉर स्टोरेज ऑफ एयर, ठीक है। तो ये जो है सेल्स जनरली जो है ये राउंडेड शेप के होते हैं, ठीक है, और इसके वैक्यूल में या फिर इसके अंदर में बड़े बड़े लार्ज एयर कैविटीज प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो ये बड़ी बड़ी लार्ज एयर कैविटीज का यूज क्या है उसमें, इट इज यूज फॉर स्टोरेज ऑफ एयर, जिसकी वजह से क्या होता है, जो एक्वेटिक प्लांट है जो पानी में डूब सकते हैं उनको हम फ्लोट करने के लिए यानी उसको बॉयंसी देने के लिए हम एरेन्काइमा का यूज करते हैं। तो जनरली इनटू एक्वेटिक प्लांट्स जिनको हम बोलते हैं हाइड्रोफाइट्स, ठीक है, क्या बोलते हैं एक्वेटिक प्लांट्स को, हाइड्रोफाइटा या फिर हाइड्रोफाइट्स, ठीक है, हाइड्रो यानी वाटर, फाइट्स यानी प्लांट्स, ठीक है। तो हाइड्रोफाइट्स में हमें एरेन्काइमा दिखाई देता है, एरेन्काइमा हेल्प्स इन टू प्रोवाइडिंग बॉयंसी टू द एक्वेटिक प्लांट्स, ओके। देन अगेन इसके अलावा मॉडिफिकेशन में और एक या फिर और एक टाइप ऑफ पैरेन्काइमा होता है जिसको हम लोग बोलते हैं प्रोसेन्काइमा। ठीक है, तो प्रोसेन्काइमा क्या है वो भी देखते हैं। प्रोसेन्काइमा इज जब भी पैरेन्काइमेटस सेल्स जो है वो लॉन्ग और विद टेपरिंग एंड होते हैं, ठीक है, तो ये जनरली जो है रूट में दिखते हैं हमें, तो ये वहां पे स्टोरेज के लिए और जाके वो रूट बनाने में हेल्प करते हैं, तो उसको बोलते हैं प्रोसेन्काइमा, ठीक है। देन ऑल्सो देर इज पैरेन्काइमा विच इज प्रेजेंट इन टू से लीफ बेसिस, तो उसको हम बोलते हैं स्टेलेट, ओके। ये एक्स्ट्रा है, आप इसको नोट्स में भी पढ़ सकते हो, इतना कुछ जरूरी नहीं है, इतने डिटेल में आपको नहीं आता है, बट देन स्टिल दीज हेल्प इन टू से डिफरेंट प्रोसेसेस ऑफ द पैरेन्काइमा। तो यहाँ पे हमने डिफरेंशिएशन ऑफ पैरेन्काइमा स्टडी किया है, ठीक है। इसके अलावा पैरेन्काइमा का एक और फंक्शन है, दैट इज इनटू सेकेंडरी मेरिस्टेम प्रोडक्शन, ठीक है। तो जब प्रोसेस ऑफ डी डिफरेंशिएशन होती है, ठीक है, तो यहाँ पे मैं ऐड कर देती हूँ डी डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो जब भी डी डिफरेंशिएशन प्रोसेस होना रहता है तब परमानेंट सेल जो रिवर्ट हो जाता है इनटू मेरिस्टेमेटिक सेल, वो जनरली परमानेंट सेल होता है पैरेन्काइमेटस सेल, ठीक है। सो हेंस दिस इज द सेम मेजर फंक्शनिंग ऑफ पैरेन्काइमा एंड इसके टाइप्स क्या क्या है और वो लोग क्या फंक्शन करते हैं इनटू डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंडीशंस, और ये है उसके डायग्राम, ठीक है। आई होप पैरेन्काइमा आपको क्लियर है और इसमें कोई डाउट्स नहीं है। नाउ सेकेंड टाइप ऑफ टिश्यू विच इज प्रेजेंट इन टू प्लांट्स, दैट इज सिंपल परमानेंट टिश्यू, और उसका नाम है कोलेन्काइमा। ठीक है, तो कोलेन्काइमा जो है इसको हम लोग बोल सकते हैं फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइडिंग टिश्यू, ठीक है, क्योंकि कोलेन्काइमा का स्ट्रक्चर इस तरह से होता है कि ये सुपर लेवल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी टू द प्लांट्स प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो वो कैसे करता है उसका डायग्रामेटिकली हम देखेंगे। तो सबसे पहले तो इसका फंक्शनिंग क्या है, तो जैसे मैंने पहले भी बोला कि कोलेन्काइमा के फंक्शन स्ट्रक्चर कैसा है, सो सेल्स आर लॉन्ग, ठीक है, एंड दे आर हैविंग एलोंगेटेड स्ट्रक्चर, लॉन्ग और एलोंगेटेड, प्लस
इनका शेप जो है वो काफ़ी थोड़ा बहुत वेरी हो सकता है, साइज वेरी हो सकती है इसकी अकॉर्डिंग टू द सेल विच इज प्रेजेंट. ये भी एक लिविंग टिश्यू है, ठीक है. और फिर इसकी और एक कैरेक्टरिस्टिक ये है कि इसका जो वॉल है, ठीक है, वो कॉर्नर्स में थिकेंड होता है. ओके, तो वॉल थिकनिंग प्रेजेंट होती है इसमें. तो इसका वॉल जो है वो थिकनिंग होने की वजह से इसमें एक्सटेंसिबिलिटी, या फिर इसमें हम बोल सकते हैं कि इलास्टिसिटी बहुत ज़्यादा होती है. सो हेंस द सेल्स आर इलास्टिक इन नेचर. ओके, सो हेंस इसका फंक्शन क्या है, दे प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी. ओके, तो इसका स्ट्रक्चर कैसा है वो सबसे पहले तो हम ड्रॉ करके आज स्टडी करते हैं. सो सबसे पहले टीएस ऑफ कोलेनकाइमा कैसे दिखता है. तो सेल्स जो है ऊपर से वो जनरली सर्कुलर ही दिखाई देते हैं, बट उसका वॉल जैसे मैंने पहले भी बोला थिकेंड होता है, तो आप इसको ऐसे ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है. और उसके अंदर न्यूक्लियस, इसके सेल्स जो है वो काफ़ी क्लोजली प्लेस्ड होते हैं, इसके अंदर इंटरसेल्युलर स्पेसेस कम होती है, ठीक है. तो आप इसको ऐसे ड्रॉ कर सकते हो. टीएस में अगर हम देखते हैं तो इनर वॉल जो है वो मैंने इसको थोड़ा सा थिकेंड या फिर ऐसे दिखाया हुआ है. ओके, इसको आप एक और तरीके से ड्रॉ कर सकते हो अगर टीएस आपको ड्रॉ करना है तो, जो आपके जनरली टेक्स्ट बुक में दिया गया होता है. तो उसको कैसे ड्रॉ करना है, हेक्सागोनल स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं उसमें. एंड टू एंड कनेक्टेड सेल्स दिखाने हैं आपको, क्योंकि जैसे मैंने पहले भी बोला इसमें इंटरसेल्युलर स्पेस कम होता है. ठीक है, और फिर इसमें आपको क्या ड्रॉ करना है, वॉल थिकनिंग ड्रॉ करनी है. तो आप इसको ऐसे ड्रॉ कर सकते हो. और ये उसका न्यूक्लियस, ठीक है. ओके, सो यू कैन ड्रॉ द डायग्राम इन ईदर वे, यू कैन ड्रॉ इट लाइक दिस और यू कैन ड्रॉ इट लाइक दिस. सो एनी विच एवर यू लाइक यू कैन ड्रॉ इट इन दैट वे, ठीक है. एलोंगेटेड स्ट्रक्चर में आपको अगर ड्रॉ करना है इसको, या फिर एलएस में ड्रॉ करना है, तो कैसे ड्रॉ करोगे. सो आप इसको एलोंगेटेड सेल्स ड्रॉ कर लो, विच विल बी क्लोजली प्लेस्ड, और उसकी वॉल्स बीच में से जा रही है. ठीक है, और इसमें यहाँ पे आप वॉल थिकनिंग दिखा सकते हो ऐसे. ओके, एंड देन न्यूक्लियसिस. ये जो क्रीज्ड सरफेस हम ड्रॉ कर रहे हैं इसमें वो क्यों इंपॉर्टेंट है, बिकॉज दैट इज द एरिया विच गेट स्ट्रेच्ड एंड प्रोवाइड्स द इलास्टिसिटी, ठीक है. सो हेंस ये वॉल थिकनिंग ड्रॉ करना जरूरी है. ओके, सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ कोलेनकाइमा. आप इसमें साइटोप्लाज्म भी दिखा सकते हो इस तरह से, ठीक है. डेकोरेट करना है आपको जिस हिसाब से, आप उसको कर लेना है डेकोरेट. ओके, सो दिस इज द डायग्राम ऑफ कोलेनकाइमा. ओके, सो दिस इज हाउ यू कैन ड्रॉ डायग्राम ऑफ कोलेनकाइमा इन टू योर बुक्स. हर डायग्राम के नीचे लिखना जरूरी है दिस इज फिगर कोलेनकाइमा. चलो अब बात करते हैं मेन चीज इसकी बची हुई है, दैट इज द फंक्शनिंग ऑफ कोलेनकाइमा. सो वॉट इज फंक्शन ऑफ कोलेनकाइमा, फर्स्ट इज इट प्रोवाइड्स इलास्टिसिटी, ठीक
ठीक है, इलास्टिसिटी प्रोवाइड करने की वजह से ये प्लांट में वेयर एंड टेयर को रिड्यूस कर देता है, मिनिमाइज कर देता है. जैसे फॉर एग्जांपल विंड आने के बाद जब भी प्लांट जो है वो इरेक्ट रहने की जगह इट स्टार्ट्स मूविंग साइड टू साइड. ओके, तो ये मूवमेंट जो है प्लांट की, दैट इज फ्लेक्सिबिलिटी जो है इस मूवमेंट के लिए दैट इज प्रोवाइडेड, और इलास्टिसिटी दैट इज प्रोवाइडेड विद द हेल्प ऑफ कोलेनकाइमा. ठीक है, जिसकी वजह से उसके क्रैकिंग ब्रेकिंग जो है वो अवॉइड कर सकते हैं, उसकी वजह से उसमें से प्लांट जो है वो टूट के मर नहीं जाना चाहिए, इसीलिए उसको इलास्टिसिटी प्रोवाइड कर देता है. ठीक है, सेकेंड इज फ्लेक्सिबिलिटी. ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी के हिसाब से कैसे, जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी आप ट्विग को प्लांट के जब भी खींचते हो ठीक है नीचे, और उसको वापस छोड़ देते हो. ठीक है, तो इसको आप नीचे खींचो तो ये नीचे ही रह गया क्या यहाँ पे, नहीं, ये वापस अपनी जगह पे चला जाता है. ठीक है, सो ये फ्लेक्सिबिलिटी जो है दैट इज प्रोवाइडेड विद द हेल्प ऑफ कोलेनकाइमा. तो ये इसकी वजह से भी वापस से प्लांट में इजी बेंडिंग एबिलिटी हो गई, या फिर इसमें लीफ में वगैरह, लीफ को वगैरह हम रोल करते कभी कभार, उसको अगर छोड़ने के बाद वो वापस अपने शेप में आ जाती है. ये सारी चीज़ें जो है ये इलास्टिसिटी फ्लेक्सिबिलिटी और से इसमें जो टेंसाइल स्ट्रेंथ प्रोडक्शन जो है ये सब कुछ जो है दैट इज़ बिकॉज ऑफ दिस कोलेनकाइमा. ये थिकेंड वॉल्स जो है वो क्या करती है, जब भी हम इसको खींचते हैं तो ये सेल्स एलोंगेट हो जाती है. ठीक है, तो उसकी वजह से ये इलास्टिसिटी प्रोवाइड करती है. तो ये प्लांट में इट इज़ प्रोवाइडेड थ्रू कोलेनकाइमा. ठीक है, सो हेंस कोलेनकाइमा इज़ वेरी यूजफुल फॉर प्लांट टू स्टे सेफ इन टू हार्श एनवायरमेंटल कंडीशंस एंड इन टू एक्सट्रीम एनवायरमेंटल वेदर्स एंड वेयर एंड टेयर ऑफ द प्लांट. नाउ लेट अस गो टुवर्ड्स द थर्ड एंड द लास्ट टाइप ऑफ प्लांट टिश्यू, सिंपल परमानेंट टिश्यू, दैट इज स्क्लेरेनकाइमा. ठीक है, स्क्लेरेनकाइमा इज डेड टिश्यू. ठीक है, इसके सेल्स जो है वो डेड सेल्स होती है. ठीक है, ये इसका सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक है. सो स्क्लेरेनकाइमा जो है इसके सेल्स जो है ये डेड होने के साथ ये डिवॉइड ऑफ प्रोटोप्लाज्म है. ठीक है, यानी ये अंदर वाला मटेरियल कुछ भी नहीं है, सिर्फ वो सेल जो है वो डेड सेल प्रेजेंट है. ठीक है, इसके वॉल्स जो होते हैं स्क्लेरेनकाइमा के ये बहुत थिक होती है, तो सेल वॉल इज वेरी थिक. ठीक है, तो ये थिकनेस क्यों है, बिकॉज इट इज लिग्निफाइड. इसको हम लिग्निफाइड सेल वॉल भी बोलते हैं. लिग्निन नाम का एक सब्सटेंस होता है जो इसके सेल वॉल के ऊपर आके इसको डिपॉजिट किया जाता है. ठीक है, जिसकी वजह से ये सेल वॉल जो है काफी थिक हो जाती है, एंड हेंस इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज लिग्निफाइड सेल वॉल. ठीक है, नाउ ड्यू टू एक्सेसिव थिकनिंग ऑफ द सेल वॉल द स्क्लेरेनकाइमेटस सेल जो है उसका अंदर का कैविटी छोटे होता जाता है, और उसकी वजह से उसके अंदर में प्रोटोप्लाज्म के लिए जगह ही नहीं है, तो उसमें बचता है एक छोटा सा कैविटी जिसको हम बोलते हैं ल्यूमेन. ठीक है, ल्यूमेन इज प्रेजेंट इनसाइड इंस्टेड ऑफ प्रोटोप्लाज्म. ठीक है, तो इसीलिए ल्यूमेन छोटा, या फिर कभी कभार तो वो डिसअपियर हो जाता है या फिर कंप्लीटली नहीं रहता है. ठीक है, और इसके सेल्स जो है वो काफी टाइटली पैक्ड होते हैं या फिर क्लोजली पैक्ड सेल्स होते हैं. ओके, जिसकी वजह से ये काफी हार्ड ऐसा एक स्ट्रक्चर बना देते हैं, एक काफी यूनिफॉर्म ऐसा स्ट्रक्चर बना देते हैं ऑफ दीज थिकेंड सेल्स और थिक थिक वॉल्ड सेल्स, जो ऑब्वियसली अभी इन सब कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से अगर हम देखते हैं तो इसका मेन फंक्शन होता है, फंक्शन ऑफ स्क्लेरेनकाइमा, दैट इज प्रोटेक्शन. ठीक है, तो दीज हेल्प इन टू प्रोवाइडिंग मैकेनिकल सपोर्ट. ओके, दे हेल्प इन टू प्रोटेक्टिंग मेनी एरियाज विच आर वेरी डेलिकेट इन टू प्लांट. ओके, जैसे फॉर एग्जाम्पल सीड का कवर जो होता है वो स्क्लेरेनकाइमा से बनता है. जनरली नारियल के ऊपर का जो उसका नट होता है, जो ऊपर का उसका हार्ड कवर होता है, ठीक है, जो पत्थर के जैसा लगता है, राइट, दैट इज मेड अप ऑफ स्क्लेरेनकाइमा. या फिर जाके जो भी हार्ड कवरिंग बनती है, या फिर लीफ के वेन्स जो बनते हैं, रूट्स जो है उसके रूट हेयर्स जो होते हैं अंदर में, उसको सपोर्ट देने वाला सिस्टम, प्लांट को अंदर से सपोर्ट देने वाला सिस्टम, उसके ऊपर का हार्ड कवरिंग जो है प्लांट के ऊपर का, एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ स्क्लेरेनकाइमा. सो हेंस स्क्लेरेनकाइमा इज वेरी इसेंशियल, और इसका मेन फंक्शन जैसे मैंने पहले भी यहाँ पर नोट डाउन किया हुआ है, दैट इज प्रोटेक्शन.
सो नाउ लेट अस सी हाउ टू ड्रॉ डायग्राम ऑफ स्क्लेरेन्काइमा. तो अगर मुझे इसका टीएस ड्रॉ करना है तो टीएस के लिए हम सिंपली इसको, जैसे मैंने पहले भी बताया, अगर हमें हेक्सागोनल स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है तो उसका वॉल सिर्फ मैं ऐसे मोटा मोटा ड्रॉ करते जाऊंगी. ठीक है, एंड एज दे आर टाइटली पैक्ड तो मैं यहाँ से ही दूसरा सेल स्टार्ट कर देती हूँ. ठीक है, इस तरह से आप इसका टीएस ड्रॉ कर सकते हो, दैट इज ट्रांसवर्स सेक्शन. ठीक है, इसके और सेल्स आप ड्रॉ कर लो तो वो काफ़ी अच्छा, इसको आप स्क्वायर बॉक्स बना लो तो और अच्छा दिखने में दिखेगा. ठीक है, अगर मैं इसका एलएस ड्रॉ करूँ तो जैसे मैंने पहले भी बताया, इसके बीच में कैविटी बिल्कुल प्रेजेंट नहीं है, तो मैं इसको ऐसे लंबा सा ड्रॉ कर ले रही हूँ. ठीक है, और बीच में कैविटी नहीं है ये याद रखना है, तो बीच में स्पेस भी हमें ज़्यादा छोड़ना नहीं है इसमें. ठीक है, ल्यूमेन कैविटी इसमें बीच में प्रेजेंट होता है. एंड इसमें से दूसरा आजू बाजू का सेल भी ड्रॉ कर लेना. ठीक है, ये बीच का कैविटी और ये उसका थिक लिग्निफाइड सेल वॉल. ओके, सो यू कैन ड्रॉ डायग्राम लाइक दिस ऑल्सो. थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेना इसको कैसे ड्रॉ करना है, ताकि आपको इसको और अच्छे से ड्रॉ करना समझ में आ जाए. ओके, सो दिस इज हाउ स्क्लेरेन्काइमा का स्ट्रक्चर आपको ड्रॉ करना है. सो यहाँ पे भी नीचे लिख दो फिगर स्क्लेरेन्काइमा. ओके, प्लीज़ ट्राई एंड मेक इट फेयर. आप इसको बॉक्सेस बनाओ, अच्छे से स्पेस करके लिखो. ओके, और ड्रॉ कर लेना इसको आपके नोटबुक में. ओके, इसके अलावा देर आर टाइप्स ऑफ स्क्लेरेन्काइमा विच इज़ ऑल्सो एसेंशियल फॉर यू टू स्टडी. तो टाइप्स ऑफ स्क्लेरेन्काइमा, जनरली स्क्लेरेन्काइमा जो है वो दो टाइप का होता है. एक होता है स्क्लेरेन्काइमेटस फाइबर्स जो काफ़ी लंबे होते हैं. जनरली दीज फाइबर्स आर सपोर्टिव इन नेचर और ये पॉइंटेड होते हैं इन टू द टेपरिंग एंड्स. ठीक है, और ये जो है ये जनरली प्लांट के अंदर में थ्रू एंड थ्रू रन करते हैं, या फिर जाके ये प्लांट के अंदर में से जाइलम फाइबर्स बनाते हैं, या फिर डिफरेंट काइंड्स ऑफ फाइबर्स जो हमें मिलते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कोकोनट के ऊपर का. सो स्क्लेरेन्काइमा जो है इसके दो टाइप्स है, जैसे मैंने पहले भी मेंशन किया. सो उसमें से मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, जगह तो है नहीं बट थोड़ी सी जगह बना के. ओके, तो एक होता है स्क्लेरेन्काइमा फाइबर्स. ठीक है, जैसे मैंने पहले भी मेंशन किया, जनरली ये लंबे फाइबर्स होते हैं और ये लोग ऑब्लिक वॉल के साथ प्रेजेंट होते हैं और ये लोग क्लोजली पैक्ड होते हैं, जिनकी वजह से ये लोग सपोर्टिव इन नेचर होते हैं. ठीक है, जनरली आप इसको देख सकते हो इनटू जाइलम फाइबर्स हो गया, या फिर ये लोग मेजरली कोकोनट का ऊपर का हस्क बनाने में हेल्प कर देते हैं, या फिर ये लोग जूट के जो सारे फाइबर्स हैं उसको बनाते हैं. हेम्प फाइबर्स जो है ये स्क्लेरेन्काइमेटस फाइबर से बनते हैं. ठीक है, सेकेंड टाइप पे स्क्लेरेन्काइमा के दैट इज स्क्लेरिड्स. ठीक है, या फिर इसको हम स्टोन सेल्स भी बोलते हैं, या फिर गर्ट सेल्स भी बोलते हैं. ठीक है, तो स्क्लेरिड्स जो है ये इसका दूसरा टाइप है. दिस इज द फर्स्ट टाइप, सेकेंड टाइप. तो स्क्लेरिड्स जो है ये लोग स्टोन सेल्स है, ये लोग छोटे छोटे सेल्स होते हैं जो प्रेजेंट होते हैं. जनरली आपने देखा होगा एप्पल या फिर पेयर जब भी आप खाते हो तो उसका जो मशी फ्लैशी पार्ट होता है उसको खाते वक्त उसमें कभी कभार छोटे छोटे स्टोन के जैसा कुछ तो अभी हमारे दांत में लगता है, राइट? तो उसको हम बोलते हैं गर्ट, गर्ट ऑफ द पल्प. ओके, तो दैट इज मेड अप ऑफ स्क्लेरेन्काइमा. तो ये लोग क्या करते हैं, ये जनरली थिकेंड इरेग्युलर शेप के डेड सेल्स होते हैं. जनरली ये लोग भी कॉर्टेक्स में या फिर फ्लोएम में जनरली प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से ये लोग
उस फ्रूट में आ जाते हैं. ठीक है, तो मेजरली ये लोग क्या करते हैं, ये लोग सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, और ये पल्प को गर्टिनेस देते हैं, यानी कि उसमें वो फीलिंग, जो उसमें रफ फीलिंग है जो खाते वक्त जो दांत में लगता है, राइट, तो उसको गर्टिनेस बोलते हैं. तो ये गर्टिनेस फीलिंग इज गिवन बाय दीज स्क्लेरेनकाइमेटस स्क्लेरेट्स. ओके, सो दिस इज द ओनली लास्ट पार्ट विच आई वॉन्टेड टू डिस्कस अबाउट स्क्लेरेनकाइमा. तो आज के ये तीनों डिफरेंसेस हमने ऑफ डिफरेंट सेल्स हमने पढ़ लिया, दैट इज सिंपल परमानेंट टिश्यू में से पैरेनकाइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेनकाइमा. आई होप आपका पूरा ये जो सेशन था वो आपको समझ में आ गया है, और आई होप इसमें कोई आपको डाउट्स नहीं है. ठीक है, तो अगर आपको कुछ डाउट्स होंगे तो आप उसको मेरे साथ डिस्कस कर सकते हो. आपको जो नोट्स प्रोवाइड किए गए हैं, ठीक है, ऑफ कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेनकाइमा एंड पैरेनकाइमा, जो आपकी शीट्स है उसमें से आप रीडिंग कर लो. अगर आपके पास शीट नहीं है अवेलेबल तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो, मैं आपको इसका PDF भेज दूंगी. ठीक है, प्लस एक और बात मुझे इम्पॉर्टेंट आपको बतानी है कि आपको जो नोट्स दिए गए हैं उसमें एनिमल टिश्यू फर्स्ट पार्ट दिया गया है और प्लांट टिश्यू सेकेंड पार्ट दिया गया है. ठीक है, राइट फ्रॉम से समथिंग पेज नंबर 20 और 22 ये स्टार्ट हो जाता है. तो एक्चुअली प्लांट टिश्यू का पार्ट पहले है और फिर एनिमल टिश्यू का पार्ट है. ये जब प्रिंट आउट के लिए भेजा गया था तो उसमें एक्चुअली ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, जिसकी वजह से ये आगे पीछे हो गया है. तो आप उसको उस तरह से थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना, दैट इज प्लांट टिश्यू फर्स्ट एंड देन एनिमल टिश्यू. ठीक है, तो आपको पेज नंबर 23 पे भी इसमें एक टेबल दिया गया है ऑफ डिफरेंस बिटवीन पैरेनकाइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेनकाइमा. ये आपको बनाना है आपके बुक में और इसको आपको स्टडी करना है. ठीक है, तो ये हो गया अबाउट बेसिक थिंग्स अबाउट थ्री सिंपल परमानेंट टिश्यू, दैट इज पैरेनकाइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेनकाइमा. इफ यू हैव एनी डाउट्स देन यू कैन आस्क मी ऑन व्हाट्सएप. ओके, चलो आई सी यू इन टू नेक्स्ट क्लास. आई होप दिस वॉज एन्जॉयबल एंड आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई है. ठीक है, सो टेक केयर, हैव अ नाइस डे, बाय.